हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताहिर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं नैरो पैंट कैसे कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे मोहम्मद ताहिर चैनल पर पहले बार विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, ये है हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन। आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ। इसमें हम चार नाप लेते हैं। एक लंबाई होती है लेंथ 37, इसकी जो बॉटम होती है मोरी नीचे की वो है 11.5 इंच 11.5। इसकी जो थाई होती है 26, इसकी जो कमर है 32। और दोस्तों, अगर आपको इसका नाप लेना सीखना है तो आप आई बटन पे देखेंगे तो आपको मेजरमेंट की वीडियो दिख जाएगी, आप यहाँ से नाप लेना भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग होगा। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम दो तरीके के स्केल यूज़ करते हैं। एक सीधा स्केल होता है, एक कर्व में होता है, इसे हम कहते हैं सेफ 40। आपको इस तरीके का स्केल लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा राउंड नहीं होना चाहिए कि ये सेफ इतनी हो, ज़्यादा डाउन ना हो, वरना दिक्कत देता है। आपको हल्की सेप में एक स्केल लेना है। फिर आप इसे कटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप कपड़े को प्रेस कर लें, हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आप किनारी वाला हिस्सा है आप अपनी तरफ रखेंगे। और रखने के बाद दोस्तों, आप सीधे फुट्टे से सबसे पहले आप इसमें जो हम पैंट बनाते हैं, तकरीबन इसके अंदर आपको 2.25 मीटर कपड़ा लगता है। अगर आप 39 लेंथ तक बना रहे हैं तो आपको 2.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2.25 मीटर कपड़ा इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखिए, इस तरीके से पहले एक निशान लगाएंगे, उसके बाद इस आपकी सेफ्टी होगी। इसको आप इस तरीके से घुमा के निशान लगा लें। फिर दोस्तों, यहाँ से देखिए, आप 1 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ इंची टेप रखेंगे और यहाँ से आप लेंथ नापेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी थाई को देखते हैं। हमारी थाई है इसमें 26 इंच। तो हमारे 26 इंच थाई में जो हमारा यहाँ से आसन आएगा, ये फ्रंट आसन होता है दोस्तों, इसको आप यहाँ पे निशान लगाएंगे 10.5 या 11.25 पे। हम 11.25 पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आप एक यहाँ पर भी निशान लगा लें 11.25 पे और इसे सीधा कर लें। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने यहाँ से 1 इंच ऊपर रखने के बाद 11.25 पे निशान लगा के हमने इसे सीधा कर लिया है। दोस्तों, ये आसन हम किस हिसाब से निकालते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप आई बटन पे देखेंगे, स्क्रीन पे जो आई बटन है आप इसमें क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। आपको सब थाई के नाप के हिसाब से आसन के फार्मूले निकल आपको मिल जाएंगे। और सारा नाप होता है दोस्तों थाई का, जितनी आपकी थाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप आसन रखेंगे। तो उसमें मैंने सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से फिर आप इंची टेप रखेंगे और आपकी लंबाई है इसकी 37 इंच, तो 37 पे आप निशान लगा लेंगे। फिर इसे भी सीधे फुट्टे से आप इसे सीधा करेंगे। सीधा करने का दोस्तों, कई लोग चौड़ा पहनते हैं, कई लोग पतला पहनते हैं, तो अगर आपको चौड़ा पहनना है तो आप इसको इस तरीके से रखने के बाद 4 इंच पे निशान लगा लें और इसे भी सीधा कर लें। ये हो गया आपका फोल्ड के लिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ से रखना है नाप। पहले सबसे पहले ये नाप आएगा निशान लगाने के बाद। थाई का नाप है आपका 26, तो दोस्तों 26 का आधा 13 इंच। आपको यहाँ पे देखिए 13 इंच ऐसे निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद 13 का आधा 6.5 इंच आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो अब जो 6.5 पे निशान लगाया आपने, यहाँ पर ध्यान से देखें हम, तो आप देखिए आपका ये आ रहा है 7.5 इंच। ठीक है, आप ऊपर से भी 7.5 इंच निशान लेंगे किनारे पर। किनारे पे आपको नापना है। इसी तरीके से किनारे से 7.5 पे आप एक निशान ये लगाएंगे, फिर 7.5 पे एक निशान आप ये लगाएंगे। फिर इन निशानों को पूरा आप सीधा कर लेंगे सीधे फुट्टे की मदद से। दोस्तों, जब आप इस निशान को लगा लेंगे, उसके बाद आप नीचे का निशान लगाएंगे। आपकी मोरी है इसमें 11.5 इंच, 11.5 का मतलब है 3 इंच में एक सूत कम। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 6.5 इंच। तो ये आपने निशान लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वाला जो निशान है आप उसे करेंगे इसे इतना भार, और यहाँ वाला आप करेंगे बिल्कुल सीधा। और सीधा करने के बाद दोस्तों, यहाँ वाला जो निशान है आपको देखना, सेफ फट्टी हम उठाएंगे। फिर सेफ फट्टी का आपको एक हिस्सा यहाँ पे रखना है और नीचे तक आपको मिलाना है जो निशान है आपका, और वहाँ पर इसको इस तरीके से दबा के निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस फट्टी को हम ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से देखिए थोड़ी हल्की सी नीचे से 1/2 इंच, यहाँ से आप नीचे वाले निशान पे मिलाएं और इसे दबा के इसे भी निशान उठा लें। तो दोस्तों, आप देखेंगे हमारे निशान उठ के आ गए, और ये होगी हमारी सेंटर की क्रीज की, ये हमारी क्रीज बनती है, इसलिए हम इसको
किनारे से नापते हैं। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो आपकी पैंट में कभी भी घूमने की शिकायत नहीं आएगी और बहुत बढ़िया पैंट बनेगी। फिर आप ऊपर से यहाँ पे 3.5-4 पे एक निशान लगा लेंगे, ये आपका यहाँ पे प्लेट डलेगी, प्लेट डलेगी, वो मैं आपको फार्मूला बता दूंगा अभी कैसे। उससे पहले देखिए यहाँ से आप 1.25 इंच पे एक निशान लगा लें, ठीक है, या 2.5-1.5 इंच पे हल्का साइज है तो आपको निशान लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी अपनी कमर के ऊपर आना है, कमर हमारी है 32 इंच, तो हमारी जो आगे की बेल्ट होती है तैयार, तो 32 है तो हमारी 16 इंच की यानी हाफ तैयार होगी, ठीक है। और हम जो है हाफ का हाफ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे की बेल्ट है हमारी 16 इंच, तो हमारा डबल में कपड़ा है तो 16 का आधा 8 इंच। आपको एक बार और बताता हूँ, 32 कमर है तो कमर का आगे का हिस्सा जो बेल्ट वाला है वो होगा 16 इंच तैयार, ठीक है। 16 इंच का आधा हो गया 8 इंच, ठीक है, 8 इंच आप पहले एक निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप दबाव लेंगे आधा इंच का दबाव आपका यहाँ पे जाएगा, 1 इंच का दबाव आएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे उतना मार्जिन ले लें, 1.5 इंच के आसपास आपकी प्लेट डलेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से निशान लगाएंगे 8 और 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे 9 और 1.5 इंच आपका प्लेट का मार्जिन, तो 10.5 इंच आपकी प्लेट आएगी, तो आपका ये निशान आएगा इधर, ठीक है। फिर इस निशान से आप इस निशान को सीधा करेंगे, इस निशान से इस निशान तक आप सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद आप इसे यहाँ से इतनी शेप देंगे राउंड, राउंड देने के बाद दोस्तों आप इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले करेंगे ऊपर की कटिंग, तो दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे फिर आप इसको यहाँ का कटिंग नहीं करना भी आपको मैं बताता हूँ, आप इसे इस तरीके से पहले तय कर लेंगे। तय करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका पैंट वाला हिस्सा है, अगर आपकी प्लेन पैंट है उसमें कोई बूटी वगैरह नहीं है तो आप इसको इस तरीके से घुमाएँ, क्योंकि इससे आपके कपड़े की बचत होती है। आप इसको इस तरीके से घुमाएँ और घुमाने के बाद इसको भी प्रेस करके फिनिश कर लें पहले। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे हमारा ओपन वाला हिस्सा इस तरफ होगा, हमने पैंट घुमाई है, हमारे यहाँ से पैंट निकाली थी लंबाई, अब आपका बंद वाला हिस्सा इधर आएगा। फिर आप इसे प्रेस करके बिठाएंगे जब, तो आप देखिए किस हिसाब से कटिंग करेंगे, आप अपनी पैंट को इस तरीके से ओपन करें और आप बिल्कुल किनारे से मिला दें इसको, देखिए आप इसको जब इस तरीके से मिला देंगे फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा फुट्टा लेना है और उसको आप इस तरीके से निशान लगाएंगे एक। ये निशान लगाने का दोस्तों ये वाला जो निशान है आपका, जो थाई का निशान था, आपको यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है फुट्टा, और यहाँ से आप तकरीबन इसमें 2.5 से 2.5 इंच उठा के इस तरीके से यहाँ तक आप फुट्टे को ऐसे रखेंगे और इस पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये आपका निशान लग गया, फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, जो आपका निशान लगा है फोल्ड का आप यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे, फिर नीचे जो मार्जिन का निशान था आप वहाँ पर निशान लगाएंगे। ये दो निशान लगाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से आप तिरछे में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, फिर आप इसको फुट्टे से कर लेंगे सीधा, और इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए जो आपकी गोलाई आएगी यहाँ पर आप इसको यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। फिर आपकी सेफ फट्टी है, आप इसको बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे रखा था आपने, ठीक है, नीचे तक मिला के अब आपको यहाँ से यहाँ वाले पे मिलाना है। ये आपने निशान लगा लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देंगे एक सेफ हल्की सी राउंड जैसे आपने फ्रंट में दी थी, और अब इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हम इसके अंदर सबसे पहले यहाँ कटिंग करेंगे, ये हमारा तिरछा कटिंग हो गया। तिरछा कटिंग करने का दोस्तों पहले सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे देखिए जो निशान था हमारा ये बिल्कुल फिक्स कटेगा, यहाँ वाला हिस्सा हमारा, वहाँ वाला थोड़ा फालतू कटेगा, यहाँ वाला बिल्कुल फिक्स कटेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया, अब आपको यहाँ वाले हिस्से को कटिंग करने के बाद आपको यहाँ से कटिंग करना है, तो उसके लिए आप देखिए इस हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे और इसको यहाँ पे सेव देते हुए देखिए इतना फालतू लेके आना है, और यहाँ से आप आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे, निशान पे कटिंग नहीं करनी है आपको, आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये फोल्ड वाली जगह आप यहाँ पे कट लगा लें और एक यहाँ पे कट लगा लें,
ये आपका कट लग गया। और दोस्तों ये होगी आपकी पैंट की कटिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें पॉकेट कैसे कटिंग होगी। तो ये दोस्तों ये तो आपकी पैंट कटिंग होगी, और अगर आप इसी तरीके से पैंट को कटिंग करेंगे तो आपकी ना पैंट घूमने की शिकायत होगी कभी, ना आपकी फिनिशिंग में कमी आएगी। इसकी स्टिचिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें आपको मैं जिप लगा के इसकी पॉकेट भी लगाना सिखाऊंगा उसके अंदर। तो आप इसकी वीडियो की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये होगी आपकी पैंट की कटिंग। और बाद में दोस्तों ये जितना भी कपड़ा बचा है ये सब हम खर्चे में यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे कैसे। अब जो हमारा यहाँ वाला जो कपड़ा बचा था, जो किनारे वाला हिस्सा है दोस्तों, इसमें से हम निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट में बहुत सरल तरीके से आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप इसको देखिए, एक सीधा निशान लगा लें, यहाँ से इसकी लंबाई ले लेंगे आप 13 इंच, यहाँ भी सीधा करेंगे। चौड़ाई जो है हम लेंगे 6.5 या 7 इंच, तो हम 7 पे निशान लगा लेते हैं। इसको भी सीधा करेंगे निशान से निशान तक। और दोस्तों निशान को सीधा करने का, आप यहाँ से इसको इतना तिरछे में आप निशान लगा लेंगे। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, आपको हम जब बनाएंगे वीडियो उसमें हम दिखाएंगे। तो पहले हम इसे कटिंग करेंगे सीधा, फिर इसे हम करेंगे नीचे की तरफ में कटिंग, फिर आप इसको करेंगे इस तरीके से कटिंग, फिर आप इसको यहाँ पर सीधा कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी पैंट जो है कट चुकी है। फिर हम यहाँ पर एक निशान लगा के कटिंग भी कर देते हैं, और आपको जब बनाएंगे तो आपको उसमें समझा भी देंगे। तो पहले आप 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 के बाद आप यहाँ पे 6 या 6.25 इंच पे निशान लगा लें, क्योंकि हमारा हाथ इतनी बीच में ही आराम से जाता है। आप इससे कम ना करें वरना दिक्कत होगी। आप यहाँ पे कट लगा लें ऐसे। तो दोस्तों हमारी जो पैंट की कटिंग हो चुकी है, ये हमारी पॉकेट भी कट गई है। अब ये कैसे लगेगी, कैसे बनेगी, हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे मोहम्मद तैयार चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।